इधर बिहार में कोरोना के मरीज फिर से बढ़ने लगे। एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा अभी पटना में है, वहीं भागलपुर में कोरोना के आधे दर्जन नए मरीज मिले हैं और 200 से अधिक लोगों में कोविड के लक्षण भी पाए गए हैं। भागलपुर से सटे जिला मुंगेर में भी कई लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इस बात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन अंजना कुमारी और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से भी परहेज करने की बात कही है। मॉक ड्रिल गाइडलाइंस के अनुसार जैसे किया जाता है किया गया। गाइडलाइंस आप देख लीजिएगा, जो तथ्य है हम लोग लिख चुके हैं। हमारा एक 2000 PSA प्लांट है 2000 का, उसका सर्विसिंग बाकी है। सर्विसिंग हो जाने पर पूरा फंक्शनल हो जाएगा। पूरे इंडिया में ही कोरोना का केस बढ़ रहा है। पटना में भी ज़्यादा आ चुका है और मुंगेर में भी आया है। भागलपुर में भी संक्रमित लोग पाए गए हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो रिपोर्ट हुआ आधिकारिक तौर पर, उसमें 3 मरीज पाए गए हैं। तो हम लोग इतने कोरोना के तो बचाव के लिए जो हम लोगों को राज्य सरकार के तरफ से जो दिशा निर्देश दिया गया है वो करीब 1 सप्ताह पहले ही हम लोग को VC में दिया गया था। मॉक ड्रिल गाइडलाइंस के अनुसार जैसे इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ भागलपुर से हमारे सहयोगी अंजनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंजनी, लगातार कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रही है। अभी पिछले 24 घंटों में भागलपुर में 1 दर्जन से अधिक मामले पाए गए हैं। पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कोरोना को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। जी, हम बताना चाहेंगे, भागलपुर में पूरे बिहार में कोरोना को नए मरीज मिलने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा अभी पटना में, वही उसके बाद भागलपुर में कोरोना के आधे दर्जन मरीज मिले हैं। 200 से अधिक लोगों कोविड के लक्षण भी पाए गए हैं। वहीं भागलपुर से सटे जिला मुंगेर में भी कई लोग कोरोना के संक्रमित मिले हैं। इस बाबत पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सिविल सर्जन अंजना कुमारी और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अस्पताल अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने लोगों से मास्क लगाने के लिए अपील की है और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करने की बात कही है। और जितना काम हो उतना ही घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा घर में रहे और मास्क और सैनिटाइजर लगाने का भी उपयोग करने की बात कही गई है। ठीक है, फिलहाल सदर अस्पताल की बात कर लें या जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की बात कर लें, डेडिकेटेड कोविड वार्ड्स बनाए गए हैं, क्या ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी, हम बताना चाहेंगे, भागलपुर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अंजना कुमारी ने पुष्टि है कि भागलपुर में कोरोना के 3 मरीज पाए गए हैं, जिसमें आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वहीं उन्होंने आज जो है सिविल सर्जन और मैगन अस्पताल के अधीक्षक दोनों अस्पताल के अधिकारी कोरोना को लेकर चिन्हित मरीज है उसको लेकर गाइडलाइन अस्पताल में जारी कर दिया गया है। जितना भी अस्पताल है वहाँ पे बेड का तैयारी को लेकर के, ऑक्सीजन की तैयारी को लेकर, दवाई को तैयारी रखने का पूरी तरह से आदेश जारी कर दिया गया है। जी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में एक बार फिर कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। भागलपुर में पिछले 24 घंटों में 1 दर्जन से अधिक नए मामले पाए गए हैं, वहीं 200 से अधिक लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। Gracias.